शिवरात्रि के महापर्व पर भक्तगण हरिद्वार से कांवड़ लेकर आते हैं और शिवरात्रि के पर्व पर बाबा भोलेनाथ पर जल अभिषेक कर अपनी मनोकामना मांगते हैं। काशीपुर क्षेत्र में ऐसे कौन से पौराणिक मंदिर हैं, कौन से स्वयंभू शिवलिंग हैं जिन पर सबसे ज्यादा कांवड़े चढ़ती हैं और वहां की क्या क्या मान्यताएं हैं, इस विषय पर सुरागिला न्यूज चैनल की टीम ने भीमशंकर मोटेश्वर बाबा, नागनाथ तथा बांसियोवाला मंदिर जाकर वहां के पुजारियों से बात की तो उन्होंने वहां की अलग अलग मान्यताओं का वर्णन करते हुए बताया कि हर वर्ष महाशिवरात्रि पर हजारों कांवड़े चढ़ती हैं। उन्होंने इन मंदिरों के इतिहास पर भी प्रकाश डाला। देखें सुरागिला न्यूज चैनल के संवाददाता मानी गुप्ता की खास रिपोर्ट। देखिए, काशीपुर के उधम सिंह नगर जिले में मोटेश्वर महादेव का बड़ा पौराणिक मंदिर है। इसका जो है प्रचलित नाम मोटेश्वर मंदिर है और पौराणिक नाम जो है भीमशंकर महादेव है। ये भीम द्वारा स्थापित है, द्वापर युग का शिवलिंग है और फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी और चतुर्दशी के दिन यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, वहाँ से जलाभिषेक करके गंगा जी से और यहाँ पर रात्रि प्रहर में पूरी रात और पूरे दिन शिवरात्रि और चतुर्दशी के दिन ये जलाभिषेक करते हैं। मान्यता ये है कि जो भी लोग यहाँ आते हैं जलाभिषेक करते हैं वो अपनी मान्यता लेकर जाते हैं और यहाँ उसकी पूरी होती है। हाँ जी, ऐसा है, मैं नागनाथ मंदिर का पुजारी बोल रहा हूँ। ऐसा है, नागनाथ मंदिर जो है बहुत प्राचीन सिद्धपीठ है। यहाँ पर जो है शंकर जी का जो है सावन में जो है बहुत बड़ा मेला लगता है और शिवरात्रि का मेला लगता है। इस समय जो है हरिद्वार से भगत लोग काशीपुर से जो है बहुत से कांवड़ लेके जाते हैं, जिसमें से कि मोटेश्वर में महादेव को कांवड़ चढ़ती है, दूसरा श्री नागनाथ महादेव को कांवड़ चढ़ती है। यहाँ पर लगभग कम से कम 5-7 हज़ार आदमी इकट्ठा होता है शिवरात्रि के दिन, भगवान भोलेनाथ को स्नान कराता है और पूजा पाठ आदि होती है। बाकी हजारों लोग जो है हरिद्वार से कांवड़ लाते हैं और यहाँ पर कम से कम 1500 या 2000 लगभग कांवड़े चढ़ती है। हाँ, इसमें काफ़ी समय से इसमें काफ़ी मात्रा में कांवड़े चढ़ रही हैं संख्या में, और इस स्वयंभू शिवलिंग है ये भी, जैसे मोटेश्वर महादेव हमारे स्वयंभू हैं तो ये भी स्वयंभू शिवलिंग है। ऐसी क्यों होती है कि यहाँ पर पांडवों ने भी जलाभिषेक किया था इस मंदिर में शिवपिंडी पर, और जिसका कि उल्लेख कल्याण में भी मिलता है। और सच्चे मन से जो भी यहाँ पर जल ला करके चढ़ाता है भगवान को, अवश्य ही उसकी मनोकामना पूर्ण होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो पंडित जी, इसकी किंवदंती का थोड़ा उल्लेख करें। किंवदंती, माता कुंती का आदेश था पांडवों को कि जब तक आप जल नहीं चढ़ाएंगे शिव जी को तब तक आपको भोजन नहीं मिलेगा। तो ऐसे चूँकि पांडव समय पर उल्लेख भी है कि यहाँ पर रहे हैं, जिसका द्रोण सागर में आता ही है तो ये घूमते रहते थे, तो इनको भी यहाँ पर जो ये शिवलिंग है यहाँ पर उन्होंने ही खोज मंदिर की शिवलिंग की। उसके बाद से फिर जब ये महाभारत काल के बाद फिर जब यहाँ पर इधर सरदार लोग थे, इन लोगों ने यहाँ पर हल चला करके देखा तो ये शिव वहाँ पर दिखाई दिए। इनकी खुदाई की करने की कोशिश भी की गई। ऐसा भी कहा जाता है कि यहाँ पर हाथी के पैर द्वारा जंजीर, हाथी के पैर में जंजीर डाल करके शिवलिंग को उखाड़ने की कोशिश की गई, लेकिन भगवान की अतुल गहराई का पता नहीं लगा। तभी से इस यहाँ पर ये स्थापना हो गई है। सच्चे मन से जो भी यहाँ पर जल चढ़ाता है, भगवान जल अभिषेक करता है, निश्चित रूप से उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।